Hey plantaholics, welcome back to my channel. Hope you're doing well, friend. This video is all about best flowering plants to grow through cuttings in the month of August. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही खूबसूरत से ऐसे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट दिखाऊंगी जो कि आपके पास सालों साल आप अगर कटिंग से इनको तैयार कर लेते हो तो बहुत लंबे टाइम तक आपके गार्डन में यूं ही बहुत अच्छे से ग्रो भी करेंगे और फ्लावरिंग भी करेंगे। तो सबसे पहला जो आप प्लांट यहाँ पर देख रहे हो ये है मॉस रोजेस के। तो फ्रेंड, मॉस रोजेस के ये जो आप प्लांट देख रहे हो ये सभी के सभी मैंने कटिंग से ही तैयार किए थे। ये लास्ट ईयर के मैंने कुछ प्लांट्स बाय किए थे जिनको मैंने कटिंग से सेव किया और इस साल मैंने कई सारे पॉट्स में इनको लगा दिया जो कि फ्लावरिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इसी साथ ये जो आप मेरा पोर्टुलाका का प्लांट देख रहे हो ये ऑलमोस्ट फ्रेंड 3 से 4 साल पुराना प्लांट है और हर साल मैं यही करती हूँ जब मुझे ये थाली वाले पॉट्स को खाली करना होता है विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, तो मैंने छोटे से पॉट्स में लगा देती हूँ। फिर जैसे ही गर्मी आती है तो फिर मैं इनको इसी तरीके के पॉट्स में लगा देती हूँ। तो आप इसकी छोटी सी कटिंग लगा दीजिए। सेमी सेक्युलेंट प्लांट होते हैं तो पानी को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, बहुत ज़्यादा एक्सेस में वाटर नहीं डालना है। और ये आप देख सकते हो इस समय मानसून में भी कितने अच्छे से और हैवी नंबर में फ्रेंड डेली के डेली इसमें फ्लावर्स खिलते हैं। इधर जो आप फ्रेंड्स नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये हैं बोगनवेलियास के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोगनवेलियास की करंट कंडीशन दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो इस समय सिर्फ और सिर्फ फोलियज ग्रोथ हो रही है क्योंकि मेरे इन प्लांट्स में फ्लावरिंग होकर अब खत्म हो गई है। अब न्यू बैच ऑफ फ्लावर्स जो है वो भी निकलना शुरू हो गए। मैं अभी आपको मेरे कुछ प्लांट्स में दिखा देती हूँ जिनमें बर्ड्स वगैरह निकलना भी शुरू हो गई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो न्यू बर्ड्स निकल रही हैं, ये आप देखिए। तो फ्रेंड्स, आप इस प्लांट की ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है जब आपके प्लांट्स में फोलियज ग्रोथ हो रही हो, तो जब भी आप इसकी कटाई छटाई करते हैं, प्रूनिंग जो करते हैं, उनको फेंकने के बजाय आप उनकी कटिंग्स को लगा दीजिए। मैंने भी लास्ट टाइम जब आप लोग के साथ बोगनवेलिया को आपको कैसे प्रून करना है उस समय मैंने ये 3 कटिंग लगा के दिखाई थी। तीनों की तीनों लग गई हैं फ्रेंड्स और न्यू शूट भी निकलना शुरू हो गई। इसमें भी न्यू शूट निकल रही है, बगल वाली भी निकल रही है और इधर वाली में तो आप देख सकते हो लीव्स वगैरह भी आना शुरू हो गई है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है बोगनवेलियास की कटिंग को लगाने का। थोड़ी सी वुडी और पुरानी कटिंग लगाएंगे तो बहुत जल्दी आपकी कटिंग जो होगी वो लग जाएगी। इधर जो आप नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो यहाँ पर ये देसी गुलाब के प्लांट्स हैं। तो गुलाब की फ्रेंड कोई भी वैरायटी आप इस समय कटिंग से लगा सकते हो मॉनसून के टाइम में, तो आप कैसी भी कटिंग लगाओगे आराम से बिना किसी रूटिंग हार्मोन के कटिंग्स जो होती हैं वो लग जाती हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट टाइम है, आप इनकी कटिंग को लगा लो। और वैसे ये सारे जो प्लांट्स मैं हर बार कहती हूँ ये मेरे कटिंग से ही लगाए हुए प्लांट्स हैं और मैंने वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर किया था जब मैंने इनकी कटिंग लगाई थी। इधर जो आप नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है ऑरेंज जुबली तिकोमा का। देख सकते हो आप फ्रेंड्स कितना ज़्यादा मेरा ये प्लांट बुशी हो गया है। तो आप इस प्लांट की भी कटिंग को लगा सकते हैं इस समय। मैं अभी इसकी प्रूनिंग इस वजह से भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी बर्ड्स आ रही हैं और फ्लावरिंग भी इसकी ऑलरेडी होती ही जा रही है, ऑलरेडी हो चुकी है। फिर से न्यू बैच ऑफ आप बर्ड्स देख सकते हो फिर से निकल रही है। जब एक बार मैं इसकी कटिंग करूँगी तो मैं इसकी छोटी सी कटिंग लगा दूँगी, तो आप इसको भी ज़रूर से ज़रूर लगा दीजिए। बहुत ही ज़्यादा ये प्लांट खूबसूरत सा देखने में लगता है। इधर जो आप नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है हिबिस्कस का। फ्रेंड, हिबिस्कस भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और ये मल्टी पेटल हिबिस्कस है जिसमें कई सारी जो पेटल्स होती हैं वो इकट्ठे आपके फ्लावर्स में निकली होती हैं। बहुत ज़्यादा प्लांट देखने में खूबसूरत सा लगता है। तो आप इसे भी ज़रूर से ज़रूर इस समय कटिंग से लगा लीजिए और इसमें आपको देसी वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी, जो भी आप वैरायटी लगाना चाह रहे हो आराम से लग जाएगी और फ्लावरिंग भी पूरे साल ये प्लांट बहुत अच्छे से करता है। तो मानसून में इसकी भी कटिंग आप ज़रूर से ज़रूर लगा लीजिए। इधर जो आप नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है जट्रोफा का। ये भी एक मोस्ट हार्डी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और फ्लावरिंग की मैं बात करूँ तो पूरा साल सिर्फ विंटर्स का डोमेंसी का पीरियड होता है, पूरा साल ये फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करता है। तो इस प्लांट को भी आप इस समय कटिंग से ज़रूर लगा लीजिए, बहुत ही खूबसूरत आपका गार्डन भी देखने में लगेगा। तो इसको भी आप इंक्लूड करना ना भूलिएगा। और इसके साथ साथ जट्रोफा में आपको एक वेरिएटेड लीव्स वाला भी प्लांट मिल जाएगा। अगर वो आपके पास नहीं है तो वो आप इस समय मॉनसून में कटिंग से ज़रूर लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत उसका भी प्लांट देखने में लगता है, नहीं तो आप इसको तो ज़रूर से ज़रूर लगा लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है। इधर जो आप नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है चंपा का, जिसे प्लूमेरिया भी कहते हैं। ये प्लांट भी बहुत आसानी से कटिंग से लग जाता है और मॉनसून के समय में आप इसकी भी कटिंग को लगा लीजिए। इसमें कलर्स की मैं बात करूँ तो आपको इस तरीके का व्हाइट है, रेड है, पिंक है, काफ़ी सारे कलर्स मिल जाएगा। हाइब्रिड वैरायटीज आती हैं तो जो भी वैरायटी आपके पास नहीं है आप वो लगा सकते हैं। इधर जो आप नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है रेन लिलीज के। ऑल दो फ्रेंड्स, आप इसे नीचे बल्ब से मल्टीप्लाई कर सकते हो इधर मॉनसून के समय में, नहीं तो आप जैसे फ्लावर्स इसमें लग के आप छोड़ दीजिए थोड़े टाइम के तो इसमें बीज बन जाते हैं। उन बीज के द्वारा भी आप इस प्लांट को बहुत ही आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ईजी टू ग्रो और ईजिली मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर आपके पास इसका एक भी बल्ब हो गया तो फ्रेंड वो मल्टीप्लाई बहुत तेज़ी से नीचे सॉइल में
में हो जाता है, तो आप इस प्लांट को भी इस समय मल्टीप्लाई कर सकते हो। इधर आप इसको सीड्स के थ्रू कर लो या फिर आप इसके बल्ब्स को निकाल कर दूसरे पॉट में लगा दीजिए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा लगता है और पूरे मानसून भर ये भर भर के आपको फ्लावर्स बनाकर देगा और परमानेंट बाय नेचर होता है, तो इसे भी आप ज़रूर से ज़रूर लगाना ना भूलिएगा। इधर जो आप नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है यूफोर्बिया मिली का, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्डी बाय नेचर होता है। बस इसकी जब भी आप कटिंग को लगाते हो थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा क्योंकि इसमें कांटे निकले होते हैं और एक हार्डी प्लांट होता है और पूरे साल फ्रेंड इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती है। हार्डली मैंने कभी देखा हो कि इसमें फ्लावर शेड हुए, नहीं तो पूरे के पूरे साल ये फूलों से लदा रहता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसके फ्लावर्स देखने में लगते हैं और बंचेस में खिलता है तो बहुत अमेजिंग ये प्लांट देखने में लगता है। इसमें भी काफ़ी सारी वैरायटीज आ गई हैं, आप हाइब्रिड वैरायटी या देसी वैरायटी जो भी आपको लगाना वो आप लगा सकते हो। इधर जो आप नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है अलमांडा की, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है, लेकिन इसकी जो हैवी फ्लावरिंग होती है इधर मानसून के समय में होती है, तो इसकी भी आप कटिंग को अभी लगा सकते हैं। इसमें आपको इस तरीके की सेमी वाइन वैरायटी मिल जाएगी, इसके साथ साथ आपको इसमें वाइन वैरायटी मिल जाएगी और इसमें ड्वार्फ वैरायटी भी आती है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी मैं आपको इसका सेमी वाइन का दूसरा कलर दिखा देती हूँ जो कि ये वाला है, बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर देखने में लगता है। प्लस ये प्लांट पॉलिनेटर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो आपके गार्डन में पॉलिनेशन का काम भी बहुत अच्छे से हो जाएगा और गार्डन भी काफ़ी ज़्यादा देखने में खूबसूरत सा लगेगा। तो फ्रेंड जो भी प्लांट्स की आपके पास कटिंग नहीं है, आप बाय नहीं करना चाह रहे, तो ये परफेक्ट टाइमिंग है कि तो आप कटिंग से इन प्लांट्स को लगा लो। ये फ्रेंड इसकी ड्वार्फ वैरायटी है जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने में खूबसूरत से लगती है। वाइन वैरायटी में भी आपको इसी तरीके के वाइब्रेंट येलो कलर के फ्लावर्स मिलते हैं, तो आप इसे जरूर से जरूर अपने गार्डन में इंक्लूड करिए, आपका गार्डन काफी ज्यादा देखने में खूबसूरत सा लगेगा। इसकी जो हाइट आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा कम सी होती है, लेकिन फ्लावरिंग की मैं बात करूं तो भर भर के आपको फ्लावरिंग देगा ये प्लांट। इधर जो आप नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है पिंक ट्रम्पेट वाइन का, जो कि टिकोमा फैमिली का ही ये प्लांट होता है। बहुत ही ज्यादा इसके फ्लावर्स देखने में खूबसूरत से लगते हैं, एक अनयूजुअल सा कलर होता है आपके गार्डन में, बहुत ही कम इस तरीके के कलर देखने को मिलते होंगे, तो फ्रेंड ये वाला कलर आप ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करिए। हल्का सा आपको ये लाइट पर्पल जो होता है, लेवेंडर जो कलर होता है, उस तरीके का इसके फ्लावर्स करते हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से लगते हैं। वन डे फ्लावर्स होते हैं तो आपके गार्डन में डे टू डे ये फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करेंगे। इधर जो आप नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है एक्जोरा का, एक्जोरा की फ्रेंड्स ये है ड्वार्फ वैरायटी, इसमें आपको ट्री वैरायटी भी मिल जाएगी, तो जो भी वैरायटी आपके पास नहीं हो उसको आप कटिंग से लगा लीजिए और कटिंग जब लगाते हैं आप चाहते हो कि आपकी कटिंग 100% सक्सेसफुल हो, तो आप उसके नीचे एलोवेरा जो फ्रेश एलोवेरा जेल होता है वो लगा के आप लगा दीजिए, तो आराम से आपकी कटिंग लग जाएगी। इसके साथ साथ दालचीनी का जो पाउडर होता है उसको भी आप एज अ रूटिंग हार्मोन के तौर पे यूज़ करते हो, आसानी से आपकी कटिंग जो होंगी वो लग जाएंगी, नहीं तो बारिश के मौसम में आप बिना किसी ये सब लगाए बगैर भी आपकी कटिंग जो होंगी वो लग जाएंगी। इधर जो आप नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है मुसंडा के, मुसंडा का भी प्लांट एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है, बहुत ही खूबसूरत इसके इतने बड़े बड़े साइज के फ्लावर्स खिलते हैं जो कि लीव्स के बराबर ही होते हैं, काफी ज्यादा देखने में खूबसूरत से लगते हैं और एक बार जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो ऑलमोस्ट आपका जो प्लांट होता है वो पूरा का पूरा फूलों से ढक जाता है और जिससे आपका जो गार्डन होगा वो काफी ज्यादा देखने में खूबसूरत सा लगेगा। इसमें कलर्स की मैं बात करूं तो नॉर्मली आपको तीन कलर मिलते हैं, एक ये वाला कलर आपको मिल जाएगा, एक व्हाइट है, एक रेड है, तो जो भी कलर आपके पास नहीं हो आप उस कलर को अपने गार्डन में इंक्लूड कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत आपका, आप चाहो तो इसको जमीन में लगाओ नहीं तो आप बड़े पॉट्स में भी लगा सकते हो। इधर जो आप नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है विंकास के, जिसे हम सदाबहार भी कहते हैं, ये भी एक पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसमें स्पेशली जो इसकी देसी वैरायटी होती है आपको मैं दिखा देती हूँ, ये जो आप पीछे पर्पल ये वाली जो आप वैरायटी देख रहे हो ये देसी वैरायटी होती है, ये और वाइट कलर ये दोनों देसी होती है, ये आपके पास 3 से 4 साल बहुत ही आराम से आपके गार्डन में बने रहेंगे। हाइब्रिड वैरायटी को थोड़ा सा बचाना मुश्किल होता है, इसमें आप बस ये कर सकते हो कि बारिश के समय में फंजीसाइड पाउडर को आप टाइमली स्प्रे करते रहिए या डालते रहिए, तो उससे आपका प्लांट बच जाएगा। इसकी भी आप छोटी सी छोटी कटिंग को भी लगा दोगे, बस लीव्स को हटा दीजिए, कटिंग आराम से लग जाती है, तो इसे भी आप जरूर से जरूर इधर लगाइएगा। इधर जो आप नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है मधुकामनी का, एक फ्रेग्रेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और ये बहुत खूबसूरत इसके फ्लावर्स लगते हैं। इसमें आपको फ्लावर्स का साइज भी मैं आपको बता दूं, जैसे आप ये जो ट्री वैरायटी में आप फ्लावर का साइज देख सकते हो बड़ा साइज में, एक मिनी वैरायटी भी आती है, एक ड्वार्फ वैरायटी भी आती है, तो जो भी आपकी चॉइस हो। अभी मैं आपको इसकी ड्वार्फ वैरायटी दिखा देती हूं, जो कि ये आप देखिए पूरा का पूरा प्लांट जो होता है वो फ्लावर से कवर अप हो जाता है और खुशबू इसकी इतनी ज्यादा भीनी भीनी सी होती है कि आपका गार्डन जो होगा काफी ज्यादा बहुत ही सूदिंग सा
उसका एनवायरनमेंट लगेगा, तो इसको भी आप कटिंग से इस समय लगा सकते हो। जस्ट कटिंग जब भी किसी भी प्लांट की लगाते हैं तो लीव्स को कोशिश करिए रिमूव कर दीजिए, देन आप कटिंग को लगाएंगे। और सैंड में अगर लगाएंगे कटिंग तो आपकी कटिंग जो होगी वो 100% लग जाएगी। तो ये वाला जो काम है फ्रेंड्स इस समय कटिंग लगाने का, वो आप ज़रूर से ज़रूर बारिश के मौसम में कर दीजिए, ताकि आपके पास बहुत सारे प्लांट जो हों वो भी मल्टीप्लाई हो जाए और जो नहीं है वो आप इंक्लूड कर लो। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अभी जुड़े हो मेरे इस चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।